दोस्तों ये है i8 Pro Max स्मार्ट वॉच जिसके ऊपर आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग एंड यूजफुल वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपको इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करने में काफी दिक्कत आ रही है ना, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना है एंड साथ ही साथ किस एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा एंड उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फीचर्स हैं सब पर डिटेल में बात करने वाला हूँ ताकि आपको इस स्मार्ट वॉच को यूज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे एक महीने से कि भाई i8 Pro Max स्मार्ट वॉच का वीडियो लेकर के आओ एंड मैंने आपको 10 दिन पहले इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू दिया है। आपने नहीं देखा है, आई कार्ड में लिंक आ रहा है, जाके पहले उसे देख लो फिर आकर के इस वीडियो को देखना। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एनिमेशन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों i8 Pro Max स्मार्ट वॉच जो है ना ये लेटेस्ट सीरीज 8 का क्लोन है एंड इसके अंदर ना यार क्या भर भर के अमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं। इसके अंदर आपको 20 वॉच फेसेस देखने को मिलता है, 20 वॉच फेसेस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। आप चेंज करते रहो बोर नहीं होगे एंड 20 में से एक को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपना खुद का फोटो लगा सकते हो या फिर एप्पल लोगो लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको इस तरीके के ना वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ना, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। हर प्रोडक्ट का मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं एंड उसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस आती है ना आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस i8 Pro Max स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए ना एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपका एंड्रॉइड फोन है या फिर आईफोन है, दोनों में आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा एप्लीकेशन, आप देख सकते हो HRY Find नाम का ये एप्लीकेशन है। इसी को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। स्मार्ट वॉच बंद एक बार ऑन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करना है। एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ना ये जितने भी परमिशंस मांगेगा आपको सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, वरना बाद में आपका कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा या फिर कॉल नहीं आएगा तो फिर बाद में आप बोलोगे एग्री कर दो जितने परमिशंस ये मांग रहा है। अलाउ 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 अलाउ, टोटल 6 परमिशंस ये मांगेगा, अलाउ कर दिया मैंने। अब यहां पे ना लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लॉगिन करने के लिए क्योंकि एक चाइनीज ऐप है तो डेटा देना सेफ नहीं रहेगा। लॉगिन डायरेक्टली पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ना ये ऑटोमेटिकली एक आईडी पासवर्ड आपको देगा जिससे ये एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार आप चाहो तो कर सकते हो। ओके कर देना, ओके कर देना फिर से। अब यहाँ पे आपको नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, अपना हाइट डाल सकते हो, आप मेल हो फीमेल हो, बर्थडे डाल सकते हो, तो ये सारी डिटेल्स मत डालना। मैं यहाँ पे अपना कुछ भी नाम डाल देता हूँ, मान लो डाल देता हूँ ABCD, ठीक है, एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे चलेंगे, बैकग्राउंड रनिंग ये ओपन है, बैक चलते हैं। चलो गो टू सेट पे चलेंगे, इसे आप नोटिफिकेशन एक्सेस ऑन कर दो ताकि ये नोटिफिकेशन को रीड करके आपके फोन पे शो कर पाए। तो हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ नीचे 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हेल्दी का ऑप्शन है, डेटा का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, माई का ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है ना, सबसे पहले आपको माई वाले ऑप्शन में चलना है। इसमें चलेंगे, सर्च डिवाइस का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना, अलाउ कर देना। अब ये ना लोकेशन ओपन करने के लिए मांग रहा है, परमिशंस पे चलेंगे, इसे लोकेशन एक्सेस दे देते हैं ताकि ये ऑन करके आसपास के स्मार्ट वॉचेस को सर्च कर पाए। तो सर्च डिवाइस पे क्लिक करेंगे, अब ये आसपास के स्मार्ट वॉचेस को सर्च करेगा। तो हमारा स्मार्ट वॉच आ चुका है वॉच नेम से, इसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस पे दोबारा क्लिक करना, अब ये कनेक्टिंग शो करेगा एंड थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। वेट करते हैं इसे कनेक्ट होने का। तो गाइस हमारा डिवाइस फुल्ली कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी स्टेटस फुल शो कर रहा है। तो हेल्दी के अंदर चलेंगे, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे हेल्थ के जितने एप्लीकेशन है ना वो दिए गए हैं, लाइक आपको हार्ट रेट मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिलता है, स्लिप मॉनिटर मिलता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिलता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इसके अंदर आपको जितने सेंसर्स मिलते हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर बिल्कुल भी रियल सेंसर्स नहीं मिलते हैं, तो उनके रीडिंग पे आप रिलाई मत करना, ये आपको एस्टिमेटेड एक एवरेज रीडिंग देने वाला है। तो इनमें आपको जो भी डेटा शो करेगा ना वो रैंडम रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक रियल डेटा नहीं रहने वाला है। डेटा के अंदर चलेंगे, हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा, पुराना डेटा मिल जाएगा, इसका भी कोई काम नहीं है, इसे भी रहने दो। स्पोर्ट्स मोड के अंदर अगर आप इसे यूज़ करोगे ना, जैसे मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, 3-2-1 करके ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है ना, GPS ऑन हो गया है। अब आपको लगेगा कि मैं जितने दूर चलूंगा ये ग्राफ बन जाएगा, कितने किलोमीटर्स मैंने चला है, आपको GPS शो करेगा। बट आप देख सकते हो मैं अभी इस वीडियो में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड ये 8.7 का शो कर रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली किलोमीटर्स बढ़ रहा है, जबकि मैं स्टेशनरी हूँ, यहाँ पे खड़े हूँ,
बिल्कुल भी चल नहीं रहा हूँ। तो इसके डेटा पे आप रिलाई मत करना, एंड कर दूंगा ना तो ये ग्राफ रैंडम एक शो कर देगा। इसलिए इन सब चीजों के लिए, हेल्थ के लिए ये स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी डेटा सही नहीं मिलता है। माई के अंदर आप आ जाओगे ना तो यहाँ पे आपको अपना नेम दिखेगा, अपना स्मार्ट वॉच कनेक्टेड दिखेगा। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो यूज कर सकते हो। लाइक डिवाइस सेटिंग के अंदर चलोगे ना तो बहुत सारे फीचर्स हैं। फाइंड द डिवाइस का ऑप्शन है, इसे क्लिक करोगे तो अगर आप रूम पे इसे कहीं रख के रखे हो किसी टेबल पे तो ये वाइब्रेट करेगा ना, आपको अलर्ट कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरा स्मार्ट वॉच वहां रखा हुआ है। लाइक दिस, इसने 3 बार वाइब्रेट किया। अगर रिंग करता ना तो और अच्छा रहता, बीप 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 इस तरीके से रिंग करता। तो मैसेज रिमाइंडर का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें ऑन मिलेंगी। अगर आपको जो चीज़ ऑफ करना है, जैसे मैं लाइन को ऑफ करना चाहता हूँ तो ऑफ कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, इंस्टाग्राम रहना देता हूँ, फेसबुक रहने देता हूँ, स्काइप बंद कर देता हूँ, ट्विटर बंद कर देता हूँ, तो अब क्या है ना, जो जो ऑन रहेगा ना उसका मैसेज नोटिफिकेशन जो भी आएगा आप स्मार्ट वॉच के अंदर रीड कर पाओगे। आपको फ़ोन को पॉकेट से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके पे क्लिक कर देते हैं, सेट हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा अलार्म रिमाइंडर का, आप इसके अंदर अलार्म डाल सकते हो। अलार्म डालोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेट करता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे एवरी डे पर रहने देता हूँ, 9:55 हो रहा है, 9:56 के लिए अलार्म लगाते हैं, ओके कर देते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे। देखा आपने, अलार्म रिमाइंड किया इसने, लेकिन 3 बार ही वाइब्रेट करता है, रिंग नहीं करता है। फिर आपको इसके अंदर मिलता है सीडेंट्री रिमाइंडर का ऑप्शन। सीडेंट्री रिमाइंडर का जो फीचर है ना, ये काम का बहुत ही है। इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट्स, लाइक दिस और आगे आगे। तो जैसे मैं इसे सेट कर देता हूँ 60 मिनट पे, एंड ओके करके इसे ऑन कर देता हूँ, एंड ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा ना, जैसे कि मैं मान लो ऑफिस पे वर्क कर रहा हूँ या बैठ के बहुत देर से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जैसे कि बहुत देर से अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे वाइब्रेट करके रिमाइंड करेगा कि आप बहुत देर से बैठे हुए हो। आपको अलर्ट करेगा कि थोड़ा उठो, घूमो फिरो, चलो फिरो, ताकि आपका हेल्थ के लिए वो अच्छा रहे। इस तरीके से आपको सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है। रिमोट कंट्रोल सेल्फी का ऑप्शन है, इससे क्या है ना, आप इसे शेक करके सेल्फी ले सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, जैसे मैं स्मार्ट वॉच को शेक करूंगा ना, यहाँ पे सेल्फी क्लिक हो जाएगा, ये रहा, तो हमारा फोटो यहाँ पे क्लिक हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देखो। तो इस तरीके से आप इसे कहीं भी रख करके ना यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो, बस आपको इसे शेक करना पड़ेगा। देखो 3, 2, 1, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स है। तो इस तरीके से आप इसे रिमोट शटर की तरह यूज कर सकते हो। फिर आपको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसे बंद ही कर देना। आपको यहाँ पे रियल डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि सेंसर्स रियल नहीं है। आपको फिर देखने को मिलता है इसके अंदर हार्ट रेट मेजरमेंट, ये भी वर्किंग नहीं है, सेंसर्स रियल नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे ना तो ना आपका ये नोटिफिकेशन देगा, ना आपका इसमें कॉल आएगा, कुछ भी आपको अलर्ट नहीं करने वाला, बिल्कुल साइलेंट पे चला जाएगा। फिर आपको वाइब्रेशन ऑन रखना, ऑफ रखना है, हमने ऑन करके रखा हुआ है, ऑन ही रहने देंगे अभी। आपको यहाँ मिल जाएगा पावर सेविंग मोड, इसे ऑन कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन ये सब नहीं आने वाला है। इससे क्या होगा, अगर आपका मान लो बैटरी डाउन है थोड़ा, आप चाहते हो कि बैटरी और चल जाए थोड़ी देर तक, तो आप पावर सेविंग मोड कर देना, तो आपका बैटरी थोड़ा और लंबे टाइम तक चल जाएगा। लैंग्वेज सेटिंग के अंदर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा लैंग्वेज पे आपको स्मार्ट वॉच को यूज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हिंदी है इसके अंदर, तो हिंदी इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको इंग्लिश में ही यूज करना पड़ेगा। फिर आपको वेयरिंग मेथड मिल जाता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आप किस हाथ में पहनना चाहते हो, लेफ्ट हैंड पे रहने देते हैं। सिंक्रोनाइज टाइम पे सिलेक्ट करूंगा ना तो यहाँ पे हमारा जो 9:58 हो रहा है, स्मार्ट वॉच में भी देखो टाइम यहाँ पे सेट हो चुका है, 9:58 यहाँ पे हो चुका है। अब फिर आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो हमारा स्मार्ट वॉच रीसेट हो जाएगा। ये कब काम आता है, जैसे स्मार्ट वॉच अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रीसेट मार देना तो ठीक हो जाता है। फिर आपको रेज योर हैंड टू ब्राइटन द स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है लास्ट में, आप देखो रेज योर हैंड टू ब्राइटन द स्क्रीन, इसे ही रेज टू वेक फीचर बोलते हैं। इसे ऑन कर देना, एंड इसके बाद क्या ना, बहुत लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे करना क्या ना, इसके टाइम को पूरे रात के 24 बजे यानी कि 12 बजे से लेकर के फिर यहां पे 23:59 पे ले आना, 23:59, ओके, एंड ओके पे क्लिक कर देना। अब क्या है ना, हमारा ऑल द टाइम के लिए ओपन हो चुका है, रात से लेकर के सुबह तक से लेकर रात तक फिर तक ऑल द टाइम ये ऑन रहने वाला है ये फीचर। अब ये फीचर वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मैं बाइक राइड कर रहा हूँ या फिर क्लासरूम में हूँ, मोबाइल फोन पॉकेट पे है, या फिर मेरा राइट हैंड बिजी है, मैंने लेफ्ट हैंड में पहन रखा है, तो मैं बार बार बटन दबा के तो टाइम नहीं ना देखना चाहूंगा मेरा अगर हाथ बिजी रहेगा। सिंपली करना क्या है, आपको इस तरीके से फ्लिप करना है, एंड इस पे आपको स्क्रीन ऑन हो जाएगा। देखो ऑन हो गया वॉलपेपर, देखो मान लो मैं इस तरीके से पहन लेता हूँ इसे, इतना अमेजिंग इसका इनहैंड फील है ना, बिल्कुल सीरीज 8 का क्लोन, बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगता है ये। तो मान लो जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम देखना है, सिंपली इस तरीके से फ्लिप करूंगा एंड यहाँ पे टाइम शो करने लगेगा।
तो इस तरीके से ये फीचर का काम आता है। यहाँ पे इतना कुछ था डिवाइस सेटिंग के अंदर। फिर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर डायल सेटिंग। डायल सेटिंग के अंदर चलोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक माई डायल में आप जो सेव करके रखोगे वो शो करेगा। डायल मॉल के अंदर आपको बहुत सारे डायल मिल जाएंगे, वॉच फेसेस मिल जाएंगे। इसके अंदर ऑलरेडी आपको 20 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट, फिर भी अगर आपको और भी डाउनलोड करना है ना तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी एक डाउनलोड करके, इस ग्रीन वाले को करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। रिडीम नाउ पे क्लिक करेंगे, यूज़ इमीडिएटली पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ परसेंटेज शो कर रहा है, 100% होने देते हैं। यहाँ पे देखना सिंक का आइकन आ चुका है, अब इसे कंप्लीट होने देंगे एंड ये स्मार्ट वॉच फेस जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। देखते रहो, देख सकते हो 95, 96, 97 हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड ये रहा, इसके अंदर जो हमने वॉच फेस को यूज़ किया हमारे स्मार्ट वॉच में आ चुका है। एंड कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है इस i8 Pro Max में ना, आपको एच टू एच स्क्रीन मिलता है बहुत बड़े साइज़ का, पूरा कर्व डिस्प्ले है, डीप ब्लैक कलर में आता है। एंड आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। इसमें आपको ये एनिमेशन भी चलता है, इसका जो सेकंड्स का सेकंड्स वाला नीडल है वो भी यहाँ पे मूव करता है, तो इसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। इस तरीके से आप यहाँ डायल मॉल से यूनिक कूल वॉच फेसेस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आप थकोगे नहीं इतना आपको इसके अंदर वॉच फेस देखने को मिलने वाला है। फिर DIY डायल का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई कार्ड में लिंक आ रहा है, जाकर के उसे देख लेना अगर आपको सीखना है कैसे कस्टम वॉलपेपर लगाते हैं। लोकल डायल का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जितने डायल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो लोकल डायल के अंदर चलेंगे, टोटल 21 डायल्स हो चुका है अभी देख सकते हो, मतलब इसके अंदर हमारा जो 20 डायल था वो तो है ही, एक एक्स्ट्रा और ऐड हो चुका है। अब टोटल कितना ऐड होता है वो मुझे नहीं पता, आप ट्राई करके देख लेना। बैक चलते हैं, इसके अंदर आपको स्टेप गोल का ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल भी यूज़ मत करना क्योंकि इसका सेंसर्स रियल नहीं है। चेंज थीम का ऑप्शन है, थीम टू करके ओके कर देंगे तो क्या होता है ये डार्क मोड हो जाएगा, तो इसे फिर से वापस कर देंगे चेंज थीम करके व्हाइट मोड पे। सिस्टम अथॉरिटी मैनेजमेंट के अंदर आप चलोगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फोन बुक के अंदर आप चलोगे तो यहाँ पे आप ना फोन नंबर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर ऐड करना चाहूंगा इनपुट पे चलूंगा, नेम डाल देते हैं, तो नेम डालते हैं XYZ और फोन नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ओके पे सेव कर देते हैं। अब ये फोन नंबर हमने यहाँ पे सेव कर दिया एंड ये फोन नंबर ना हमारे स्मार्ट वॉच पे सिंक हो रहा है। देखो अब क्या है ना, स्मार्ट वॉच के अंदर वो शो होने लगेगा, तो अगर मुझे कॉल करना रहेगा मैं सिंपली करूंगा क्या ना स्मार्ट वॉच के अंदर एंड उसे क्लिक करके डायरेक्टली कॉल कर पाऊंगा। फिर अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऐप वर्जन डिटेल्स मिल जाते हैं। तो यही था गाइस HRY Fine नाम की इस एप्लीकेशन का इनडेप्थ रिव्यू, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही थी तो इस वीडियो से शायद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, एक कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, आपने देखा कि i8 Pro Max स्मार्ट वॉच को किस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ता है, किस तरीके से कनेक्ट होता है एंड उसके बाद आपको मैंने हर एक चीज जो थी इस एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आप कुछ चीज मिस कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से फिर से देख लेना। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ एंड परचेस करना हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।